आप बढ़िया से देखते जाओ, हल्ला मत करो। ये ऑब्जेक्टिव नंबर 2019 का, ये 1-2 है। डी एक्ट बटा क्या है, एक्स है। ये लॉ एक्ट हो गया, 1-2 हो गया। 2019 का 13 दिन जो है अभी तक खत्म नहीं हुआ। ये आंसर होगा। नंबर में एक्स पावर एन डी एक्स, पावर में एक जुड़ जाता है। ये आंसर होगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखो, ये पॉइंट आपको दिया है एक्स वाई जेड, ये है ना, इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। इसका क्या करना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो क्या होगा, एक्स आई प्लस वाई जेड, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये इसका क्या होगा, स्थिति। मतलब क्या हो गया, अभी तुम बैठे हो किस पोजीशन में बैठे हो, आपकी दिशा क्या है, यही ना स्थिति होता है। देखो सिंपल नियम, एक्स है ना, आई जे के गुना कर देगा आई जे के। ये आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर है। आई जे के क्या है, यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब ये हो जाता है, इन पर कैप चढ़ा दिया जाता है। कैप चढ़ गया, देखो तो आई कैप का, आई कैप का क्या मतलब, वेक्टर आई है, बट मॉडुलस वेक्टर आई। अगला ऑब्जेक्टिव देखो, 9 नंबर का है। ये इस प्रकार से है कि डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस क्या है, 16। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। 4 क्योंकि 16 ने पूछ गया, इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। अब बोलो फॉर्मूला क्या होता है, नहीं होता है तो 1/a, ये का मान कितना हो गया, 10 इनवर्स क्या होता है, x बटे क्या हो गया, 4 उतारो। एक चीज और, इंटीग्रेशन कांस्टेंट देगा कि नहीं देगा, 10 में देखो पी ए यूनियन क्या हो गया, बी हो गया ना, इनका फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन क्या होता है, बी। सम मान दिया है, आप बैठा दो उनके स्थान पर। पी ए का मान आपको दिया है इसमें 3/8, पी बी का मान आपको दिया है 1/2, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना दिया है, 1/4। अब अपना मान निकाल लो। उसके बाद देखो 11 में है 5/2 और माइनस 5/2 साइन पर पावर, ये 9 एक्स डी एक्स है, इनका मान क्या होगा, 0 होगा। देखो विषम रहता है तो उनका मान डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 0। कुछ भी नहीं सोचना है, ये कर्म ही होता है। ये 5/2 हो गया, ये यहाँ पर माइनस क्या रहेगा, 5/2। अगर आप कोसाइन 5 एक्स डी एक्स है तब इसका मान क्या होता है, 0 ही होगा। समझ गया ना, विषम फलन आपको विषम हो तो क्या हो जाता है, 0। उसके बाद देखो एक चीज, P बराबर क्या होता है, P बराबर एन ई बटे एन एस। उसके बाद है 13 नंबर में वेक्टर ए बराबर आपको है आई प्लस जे माइनस 2 के हो गया, एंड वेक्टर भी बराबर कितना है, नीचे होता है माइनस के ऊपर होता
ये हो गया। आपको निकालना क्या है, वेक्टर ए प्लस थ्री बी वेक्टर डॉट इसका मान निकालना है। इसका क्या करना है, मान निकालना है। तो देखो वेक्टर ए है ये, और तीन से वेक्टर बी में गुणा करके जोड़ देगा तो वेक्टर प्राप्त होगा ना। ऑब्जेक्टिव में दिया, देखिए ऑब्जेक्टिव में गुणा कर देगा वेक्टर ए में दो से गुणा करेगा, माइनस करके क्या करेगा बी को घटा देगा और दोनों को गुणा करके लिख देगा। जी सर, तो बन जाएगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है इसका, डी एक्स बटा क्या है एक्स, ये क्या होगा लोग एक्स प्लस के, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही इनका होता है। उसके बाद देखो पंद्रह नंबर का सवाल है, डी एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो इनका क्या फॉर्मूला होता है। हो गया फिर इसके बाद है आपको पी ए प्लस पी ए नोट, इनका मान कितना होता है वन, एक होता है। इसमें भी सोचेगा पी ए प्लस पी ए नोट बराबर क्या होता है, असंभव घटना की प्रायिकता शून्य शून्य जीरो होती है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है। अब कौन सब घटना नहीं घटित हो सकती है, न ही निगेटिव हो सकता है, न ही एक से ज्यादा हो सकता है, समझ गया ना। तो प्रायिकता का मान न ही निगेटिव होता है, न ही एक से अधिक होता है। इसमें 17 नंबर का सवाल देखो, डी वाई वाई क्या है, बी एक्स माइनस वाई कोस एक्स साइन एक्स और कोस एक्स। इसमें आपको कह रहा है निकालने के लिए समा, देखो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका कह रहा है निकालने के लिए, समझ गया ना। इनको हम क्या बोलते हैं, समाकलन गुणांक। कैसे निकालेगा आइए, ई टू दी पावर क्या होगा पी डी एक्स। अब देखो पी का मान क्या होता है, ये जो यहाँ पर प्लस होना चाहिए तो माइनस कोस एक्स जो होगा ये इसका पी का मान होगा, समझ गया ना। जी तो माइनस कोस एक्स डी एक्स। अब देखो कोस का क्या होता है साइन, साइन तो समाकलन गुणांक क्या ही होगा। इनको बढ़िया से एकदम ध्यान से देख लो, माइनस के बदले हो सकता है प्लस दे सकता है, समझ गया ना। तो प्लस की स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर माइनस नहीं होगा। आज राजपाल का दौरा कैंसिल हो गया। जी सर। 10 नंबर का सवाल देखो, सेक एक्स डी एक्स है, सेक एक्स डी एक्स, इनका क्या फॉर्मूला होता है। सेक एक्स लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ये लॉग का मान होता है लॉग में, प्लस क्या देगा ये। उसके बाद देखो मापन कार्य निकालने के लिए 24 नंबर में, ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक मार्क इनसे कैसे फिक्स करेगा, समझ गया ना। हो सकता है ये संख्या बदल जाए लेकिन ये हिसाब का जो भाव है ये बदलने वाला नहीं है। इनका मोडलस निकालेगा, इससे मोड का साइन लगा दिया, आई डी के का जो ये कोफिशिएंट गुणांक जिसको हम बोलते हैं, समझ गया ना। यहाँ आई जे के का क्या होगा, दिक अनुपात बोलते हैं, समझ गया ना। डायरेक्शन रेशियो क्या बोलते हैं, या कंपोनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो बोलो क्या है, 19 है ना, 19 को दो बार गुना करेगा कितना होगा, करो 19 को दो बार गुना, 23 है, 19 3 6 8 होता है।
तो उसके बाद देखो पांच का स्क्वायर करेगा माइनस, अब 19 गुना 19 करेगा ये 9 नौ नमा 81 361 हो जाएगा, 25 36 अब देखो 5 1 6 6 12 बाकी एक हो गया 6 2 8 3 1 11 1 12 3 1 4 400 क्या हो गया 22। देखो किस ऑप्शन में है डी नंबर दिया डी में। देखो एक मार्क फिक्स करने के लिए राइजेके में जो चीज भी गुना रहेगा एक रे दो रे पांच रे दस है इनको वर्क करके जोड़ देगा, वर्क करके क्या करेगा जोड़ देगा और वर्गमूल निकाल लेगा क्या करेगा। देखो इनको कहते हैं वर्क करके जोड़ना, ये जो रूट चला दे इनको बोलते हैं वर्गमूल, क्या बोलते हैं वर्गमूल। दिक्कत भी है इसमें भले संख्या कुछ बदल जाए। 29 नंबर में देखो पी ए यूनियन क्या है बी बराबर क्या होता है पी ए प्लस पी बी पी बी इनको देखो बहुत हल्ला कर रहा है जी सर, कहाँ के सर लगता है दूर दूर देखो कॉस का क्या होता है इंटीग्रेशन साइन है साइन है। पहले एक्स के स्थान पर अब ये जो है क्या रखोगे ये कल भी हुआ था जी सर इसमें साइन। 40 में देखो ये बी है एक्स स्क्वायर ये डी एक्स है बोलो इनका क्या होगा इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय थ्री पावर। देखो कैसे होता है तो इंटीग्रेशन में पावर में एक जोड़ देते हैं जो पावर होता है उनसे भाग देते हैं, 2 1 3 हो गया, 3 से हम क्या करेंगे 2 1 क्या हो गया 3, 3 से हम भाग देंगे तो बी क्यू बटे 3 हो गया ना माइनस क्या होगा ए क्यू बटे 3 एलसीएम लेगा 3 3 का 3 होगा बी क्यू माइनस ए क्यू ये आंसर। नंबर का सवाल देखिए नहीं बनाते हैं आप देखो ऑर्डर इसका क्या मांग रहा है ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है डेरिवेटिव होता है समझ गया ना, ऑर्डर क्या होता है जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखो आप यहाँ पर ये कौन ऑर्डर डेरिवेटिव है सेकंड ऑर्डर ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर है ना तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को लेना है समझ गया ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब जो ज्यादा होगा उच्चतम मान वाला आप कलर लेना है समझ गया ना। तो बोलो कौन होगा ये दो मान होगा कि यहाँ पर जो एक पावर है ये होगा इनका ऑर्डर क्या होगा दो होगा। अब इसमें देखो डिग्री डिग्री पूछ दे वन हो जाएगा तो जिनसे आप ऑर्डर फाइंड करते हैं उसी पर देखिए पावर क्या है वही उनका डिग्री होता है। तो डिग्री निकालने के लिए पहले देखिए कि ऑर्डर आपका किससे आएगा समझ गया ना, ये सब में तो मेरे ख्याल से तुम लोग कंफ्यूज होगा ही नहीं क्योंकि एकदम सिंपल रूप से देखेगा जिस डी पर पावर ज्यादा वही ऑर्डर हो गया समझ गया ना। हाँ उस पर पावर पावर जिसमें ज्यादा हो समझ गया ना, जैसे दो को मान आ जाएगा जैसे डी स्क्वायर ये स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर आ गया इस पर पावर 2 है एगो यही मान सेम रहेगा डी स्क्वायर वाई बट डी एक्स स्क्वायर
इस पर पावर 3 है तो डिग्री के लिए इस मान को हम फाइंड करेंगे, मतलब ज्यादा मान वाला लेंगे, समझ गया ना। हर वक्त समान ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, नहीं जी, तो ज्यादा पावर वाला लेगा जी, ज्यादा पावर वाले लेंगे। हो गया।